दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं जियो एयरटेल वी आई, तीनों ने दोस्तों अपने हाइक 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 कर दिए हैं के के तो दोस्तों इंप्लीमेंट हो चुके और जीओ के आपको कल से एक तारीख से देखने को मजर आएंगे एक, एक दिसंबर से जियो के हाइक आपको 21 परसेंट तक महंगे नजर आएंगे तीनों कंपनी दोस्तों यहां पे क्या चीज देख के आए क्या तीनों ही कंपनी चाहती है कि उनका ए आर बढ़े इनकी इनकम बढ़े और बस यही चीज थी कि आपके जेब पे डापा डाका डाला गया और अब दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल के रही कि क्या इन्हें फायदा होगा टेरीफाइक का फायदा होगा यस दोस्तों जरूर होगा यहाँ पे गोल्डमैन टेक्स की दोस्तों एक रिपोर्ट बताती है जहाँ पे इन्हें ऑलमोस्ट साढ़े सात हजार करोड़ का कैश फ्लो यहाँ पे मिलेगा और इनका एआरपी भी दोस्तों यहाँ पे बीस से पच्चीस रुपए तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या है दोस्तों पूरी की रिपोर्ट इसे चर्चा करेंगे कितना फायदा किस कंपनी को होगा और टेरीफाइक से सबसे ज्यादा मुनाफे में कौन रहने वाला है और क्या फिर से टेरीफाईक होगा उसके बारे में बात करेंगे में प्लीज बना के साथ तक मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जजमेंट आने के बाद एजियर वाले मामले के बाद तय था कि फिर से टेरीफाईक होगा यह चीज 2019 में भी हुई थी दोस्तों जहां पे इन कंपनियों ने तुरंत टेरीफाई किया था वोडाफोन आइडिया फिर एयरटेल और फिर जियो मैंने आपको ये हिंट दे दिया था कि फिलहाल दो राहत तो मिल चुकी है चार साल की लेकिन ना पैसा चाहिए इनको एआरपी बढ़ाना है और यहाँ पे सुनील मित्तल समय समय पर ये बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत कम है बहुत कम है दो सौ रुपए लेके जाना है फिर तीन सौ रुपए लेके जाएंगे कुछ सालों के अंदर तो ये हिंट यही था कि आप टेरीफाई के होने के लिए आप समझ लो होने वाला है एयरटेल ने सबसे पहले दोस्तों ऑलमोस्ट पच्चीस परसेंट का हाइक किया वीआई ने दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे पच्चीस परसेंट का हाइक किया और जियो ने भी क्लियर कर दिया कि हम इक्कीस परसेंट का हाइक कर रहे हैं कल से एक दिसंबर से जियो का भी हाइक आपको देखने को मिला मतलब तीनों ही कंपनी ने अपने टेरिप्स को 20 से 25 परसेंट तक हाइक कर दिया है लेकिन दोस्तों हाइक करने का सबसे बड़ी चीज जैसे कि बता चुका हूं अपना एआरपीओ बढ़ाने के लिए एआरपीओ की बात करें एवरेज रेवेन्यू पर यूजर एक कस्टमर से कंपनी कितना कमाती है क्योंकि फाइनली जियो को अगर साइड में रख देते क्योंकि मुकेश अंबानी की पॉकेट डीप है पैसा बहुत है एयरटेल और बी की बात करें तो इनकी हालत टाइट इन्हें लाखों करोड़ों रुपए कर्ज चुकाना है डिफॉल्ट स्पेक्ट्रम का पेमेंट है एजीआर का पेमेंट है बहुत सारी लाइबिलिटीज है दोस्तों जिसको इनको पैसा चुकाना चुकाने टाइम में फाइव जी भी आने वाला है नया स्पेक्ट्रम परचेस करना पड़ेगा उसके लिए भी हजारों करोड़ों चाहिए तो कहाँ से आएगा पैसा आप और मेरी जे से ही आता है तो टेरिफाइक होना तो दोस्तों तय था बस डेट फिक्स नहीं थी लेकिन अब डेट फिक्स हो चुकी है सारी कंपनी टेरिफाइक यहां पे कर चुके लेकिन गोल्डमैन सेक्स के दोस्तों दावे के हिसाब से बात करें एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से कंपनियों को हकीकत में अब फायदा होता हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन पर देख सकते हैं एयरटेल जियो गेंस वन बिलियन एनुअल फ्री कैश फ्लो ऑन प्राइस हाइक दो बिलियन डॉलर का दो कैश फ्लो मिलेगा एक बिलियन यानी ऑलमोस्ट साढ़े सात हजार करोड़ दोस्तों फ्लो होगा पैसा इनके पास होगा एनुअली जो पैसा ये यूटिलाइज कर सकेंगे नेटवर्क में और बहुत सारी चीजों के अंदर 5G में लगा सकेंगे ये जियो एयरटेल की बात चल रही है अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या डिटेल में बात करते हैं भारतीय रिलायंस यू आर एस्टिमेटेड टू गेन एक्स्ट्रा वन बिलियन रफली दोस्तों ये एक्स्ट्रा होगा जो इनका पहले चल रहा था कैलकुलेशन वो तो सही है इस से सिर्फ जो 20-25 परसेंट है क्या इससे ऑलमोस्ट साढ़े सात हजार करोड़ इन दोनों कंपनियों के पास होगा जिससे अपना नेटवर्क पे और सारी चीजों पर कर सकेंगे गोल्डमैन सेक्स दोस्तों यहाँ पे बता रहा है वोडाफॉन आईडे का कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा क्योंकि उसमें कर्ज बहुत ज्यादा है यहाँ पे लेकिन वो मैनेज यहां पे कर लेगा लेकिन तो दूसरी सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि इनका एआरपीओ कितना बढ़ेगा तो एआरपीओ की बात करें दोस्तों जियो और एयरटेल दोनों ही दोस्तों यहाँ पे एआरपीओ बढ़ेगा जहां पे एयरटेल की बात करें तो पच्चीस तक इसका एआरपीओ बढ़ जाएगा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पच्चीस रुपए तक बढ़ जाएगा जो फिलहाल यहां पे एक सौ तिरपन रुपए पच्चीस रुपए बढ़ जाता तो ऑलमोस्ट दो सौ बात कर तो सौ पिछहत्तर एक सौ अठहत्तर रुपए समथिंग यहां पे हो जाएगा दो सौ के पास पहुंच जाएगा उन्हें दो सौ रुपए करना है मतलब कुछ महीनों बाद तीन चार छह महीने के बाद शायद तक फिर से टेरीफाइक हो जाए और दूसरा दोस्तों यहाँ पे बात करें जियो की तो एक मार्च में दोस्तों मार्च 2022 दो के अंदर इनका जो ए तो एक था 144 ये बीस रुपये बढ़ के यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा एक सौ चौंसठ के आसपास तो मतलब जियो और का ए पच्चीस रुपए तक बीस से पच्चीस रुपए तक यहां पे बढ़ सकता है जो वोडाफोन हाँ आइडिया क्या होगा जो है दोस्तों यहाँ पे 5 को दोस्तों कम से कम डेढ़ का एआरपी जल्द से जल्द करना पड़ेगा और फिर दो और फिर तीन तो ये सबसे बड़ी दोस्तों अपडेट निकल गया गोल्डमेन सेक्स का दावा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का बीस से पच्चीस रुपए तक बढ़ता नजर आ रहा

दो तीन महीने के बाद हो सकता है फिर से छोटे छोटे आपको झटके यहां पे मिले और धीरे धीरे करते हुए कंपनियां दोस्तों अपने को हाई क्योंकि जब 19, आ, बात करो दोस्तों 2019 दिसंबर में जब हाइक हुआ था एक साथ 40 परसेंट का हाइक हुआ था अभी 20 बाईस परसेंट का हाइक हुआ है तो हो सकता है बीस बीस परसेंट या दस दस परसेंट के हाइक आपको आने वाले कुछ महीनों के बाद देखने को मिले जिस तरह से कंपनी अपना एआरपी को जो इनका टारगेट है पहले दो और उसके बाद तीन उसको अचीव यहां पे कर ले तो ये थी सबसे बड़ी अपडेट जो आई थी गोल्डमैन सेक्स की तरफ से कि जो टेरिफाइक यहां पे पर कैश फ्लो इनके पास पूरे साल में ओलमेस्ट सात साढ़े सात हजार करोड़ हाथ में होगा जिसको यूटिलाइज कर सकेंगे और जो मेन चीज इनका एआरपी वो सौ बीस से 25 रुपए तक बढ़ता होना जा रहा है लेकिन डिमांड है वो बहुत बहुत ज्यादा है जिसके हिसाब से आने वाले टाइम में आपको फिर से कुछ झटका देखने को मिल सकता है अच्छा भाई का चैनल को शेयर कर दीजिए पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं। मुझे देख रहे हैं दोस्तों तो हम दो लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच चुके तो प्लीज इस लाल कलर के बटन को जरूर दबा दीजिए इससे हम सब्सक्राइब कर है वीआईपी को दोस्तों अगर आप देख रहे हैं फेसबुक तो लाइक और शेयर तो जरूर करना लेकिन उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो को जरूर कर लेना क्योंकि उसको फॉलो करने से आप हमें मोटिवेशन मिलता तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए आज के लिए इतना ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ तब तो तक तो के लिए बाय बाय चेक ऑलवेज कीप स्माइलिंग